एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एसईओ होता क्या है, इसके मतलब को सही तरीके से जानेंगे, एसईओ कितने टाइप के होते हैं, इसको करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, साथ ही ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वेबसाइट्स के लिए, साथ ही एसईओ का क्या इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में, उसको हम समझेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए देखते हैं कि एसईओ होता क्या है, उसके मतलब को सही तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि एसईओ होता क्या है। SEO एक ऑनलाइन मार्केटिंग की टेक्निक है जिससे हम अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑर्गेनिक तरीके से किसी भी सर्च इंजन पर रैंक करवा सकते हैं, जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन है। इन पर आपको अपनी वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से लाने के लिए SEO करना पड़ेगा। बेसिकली SEO को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO, बट मैं आपको तीसरा एक टेक्निकल SEO है वो भी बताने वाला हूँ। जो ऑन पेज होता है, ये ऑन पेज आपकी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होता है, आप उस पर जो भी चेंजेस करते हैं उस पर डिपेंड होता है आपका रिजल्ट। उसमें इंक्लूड होता है कुछ खास चीज़ें, जैसे कि मेटा टाइटल हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, आपकी URL की लेंथ हो गई, कीवर्ड्स हो गए, कंटेंट की क्या लेंथ है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑन पेज के अंदर आते हैं। ऑन पेज के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो रिलीज़ करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। और अगर आप ऑन पेज SEO के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन पेज SEO तो आपको जो सबसे पहला कंटेंट मिलेगा व्हाट इज़ ऑन पेज SEO, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली ऑन पेज SEO के बारे में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उस सबको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे हमारा जो ऑन पेज SEO का जो वीडियो है वो रिलीज़ करने का। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ SEO में, जो कि है हमारा ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO वेबसाइट से हटकर, यानी कि बिना वेबसाइट को एक्सेस किए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक्सेस में क्या होगा, आपके पास URL होंगे, आपके पास उसका टाइटल होगा, आपके पास डिस्क्रिप्शन होगा, और उसकी हेल्प से आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए वो ऑफ पेज SEO के अंदर आता है। अब इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, आपकी बुक मार्किंग हो गई, आपकी लिंक बिल्डिंग हो गई, क्लासिफाइड सबमिशंस हो गए, आपकी PDF सबमिशन हो गए, आर्टिकल सबमिशन हो गए, आप बैकलिंक किस तरीके से बना रहे हैं, किस वेबसाइट पर बना रहे हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारा का सारा हमारा ऑफ पेज SEO के अंदर आता है। अब हम एक जो अलग बताया था मैंने आपको टेक्निकल SEO, इसकी बात करते हैं। टेक्निकल SEO में होता क्या है कि आपकी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए ये SEO किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आपकी पेज की स्पीड अगर कम है तो अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो आपका टेक्निकल SEO के पार्ट पे आता है। इसी तरीके से आपके पास XML जो साइट मैप है आपको उसको भी ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, वो आपका टेक्निकल SEO में आ जाता है। आपका robot.txt है उसको भी ऑप्टिमाइज करना या इम्प्रूव करना वो आपका टेक्निकल SEO के अंदर आता है। अब robot.txt को इम्प्रूव करना, क्योंकि robot.txt सभी जानते हैं कि एक ऐसी फाइल होती है जहां पर हम बॉट्स को परमिशन देते हैं कि हमारी वेबसाइट के किस किस पार्ट को क्रॉल करना है, इंडेक्स करना है या इंडेक्स नहीं करना है, तो आप सही तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो टेक्निकल SEO के अंदर आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल SEO के अंदर आती है, फुल कवर हम एक स्पेसिफिक वीडियो में करेंगे, टेक्निकल SEO की एक वीडियो निकालेंगे उसके अंदर करेंगे। अब हम आते हैं कि जो SEO है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे। सबसे पहली बात, अगर आप SEO करते हैं तो इससे आपकी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ेगी। आप अगर आपकी नई वेबसाइट है और आप SEO स्टार्ट करते हैं तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट 100 में शो होना शुरू होगी, धीरे धीरे 50s में आएगी, 30 में आएगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पे और धीरे धीरे करके आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करने लगेगी।
तो इससे होगा क्या, आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो ग्रो करेगी और साथ ही आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। जब आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आता है। तो SEO को करके आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी बिल्ड होने लगती है। जैसे जैसे आप SEO करते रहते हैं, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बिल्ड होती रहती है। अब हम बढ़ते हैं अपने SEO के बेनिफिट्स की ओर, कि SEO को करने से आपकी वेबसाइट को बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बेनिफिट होगी वो होगी ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि आप एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है किसी स्पेसिफिक नाम से है वो उसका नाम बिल्ड करेगा। इसी के साथ आपकी जो वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आता है। और SEO को करते करते आप बहुत सारा बैकलिंक भी जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि ऑफ पेज SEO के अंदर आता है, तो ऑफ पेज SEO को करते हुए आप बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप SEO भी करते हैं तो आप जो SEO करते हैं उसमें आपका गूगल माई बिजनेस भी होता है, तो गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते करते आप अपने अपना जो बिजनेस है उसको लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SEO। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि SEO क्या होता है, इस SEO के कितने टाइप होते हैं और SEO इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, साथ ही इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप SEO से रिलेटेड एक वीडियो है जो कि है सोशल बुकमार्किंग, इसको किस तरीके से किया जाता है, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हम वीडियो रिलीज़ करें और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।